लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे ये क्या, आप सब लोग यहाँ? मैं तो खुद जाने से पहले आप सबको मिलने आने वाला था। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं ठाकुर साहब। हम नहीं चाहते कि आप इस गांव से जाएं। आपकी वजह से ही तो माधवपुर में शांति है, वरना दूसरे गांव की तरह ये माधवपुर भी कब का जल के राख हो गया होता। मैं आपके जज्बात अच्छी तरह समझता हूँ काका, मैं भी तो यही कहूँ, ये मेरी सरजमीन है और आप लोगों का प्यार और इस मिट्टी की खुशबू मेरी रग रग में है। लेकिन क्या करूँ, सरकारी नौकरी है, ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए हैं और मुझे जाना ही होगा। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम इस गांव के लिए एक फरिश्ता हो और तुम ही हमें काला डाकू के जुल्मों सितम से निजात दिला सकते हो। हाँ हाँ ठाकुर साहब, हम सब लोग आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स कैंसिल हो जाए। ये हुई ना बात ठाकुर साहब। अरे हरि सिंह ठाकुर साहब, अरे क्या कर रहे हो यार? नमस्कार बाबा जी। ठाकुर साहब, हाँ मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है। कहो। आप अपने शुभ हाथों से मेरे ट्रक के सामने ये नारियल तोड़ दीजिए। ठीक है, आखिर आप ही के दिखाए हुए रास्ते से, आप ही के आशीर्वाद से ये गुंडा बावली हरि सिंह जेल से छुटने के बाद मेहनत की रोजी रोटी कमाना सीखा है। अरे जरूर जरूर, चलो ना। मुबारक हो, मुबारक हो हरि सिंह, मुबारक हो। मुबारक हो दोस्त। रामू। जी मालिक। ये क्या आवाज हो रही है बाहर? मालिक बाहर भजन मंडली है। भजन मंडली? जी। पूछो उनको क्या चाहिए। जी अच्छा। वे सुबह क्या चाहिए आपको? मुझे जेल भिजवाना चाहता है। मुझे, मैं तुझे ऊपर वाली जेल में भिजवा दूंगा। ठाकुर जसवंत सिंह के कत्ल के इल्जाम में यह अदालत काला डाकू को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। भगवान, देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। मेरा पति और बच्चा मारे गए। क्या यही फल है मेरी पूजा का? बोल भगवान, बोल। ठाकुराइन, जा को राखे साइया मार सके न कोई, क्यों भगवान से शिकायत करती हो? ये देखो, ये रहा तुम्हारा मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा लाल। ये मुझे मेरे ट्रक में मिला था ठकुराई। मेरा लाल। लगता है इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था काला डाकू ने। हरि सिंह, मेरा एक काम करोगे मेरे भाई? भाई? आपने मुझे भाई कहा? ये हरि सिंह तो आपके लिए अपनी जान दे देगा, आप हुक्म कीजिए ठकुराइन। मेरे बेटे को नई जिंदगी तुम्हारी वजह से मिली है, इसलिए आज की बात मेरा बच्चा तुम्हारा है। पर याद रखना, इसकी परवरिश फूलों की तरह नहीं, पत्थरों की तरह होनी चाहिए। मेरे पति की इच्छा के अनुसार मैं अपने इस बेटे को फौजी बनाऊंगी और मैं इन दोनों हथियारों से अपने सुहाग का बदला लूंगी। आज के बाद मैं अपने इस जिगर के टुकड़े को भूल जाऊंगी
मैं तुम्हारे इस जिगर के टुकड़े को तराश कर एक ऐसा पत्थर बना दूंगा, ऐसा पत्थर बना दूंगा कि जब ये टकराएगा तो जुर्म और गुनाहों की दुनिया चकनाचूर हो जाएगी। अरे यार बड़ी अच्छी नींद आ रही थी गुरु तुमने। चल शाड़े आप तो आई गले चल। ये क्या है आपका दादागिरी है क्या? चल ये क्या मामला? अरे मामू ये क्या लफड़ा? शेरू दादा ने टैक्स नाका खोल रखा है, जब तक उसको टैक्स नहीं देंगे मंडी में कोई ट्रक जा नहीं सकता। चल 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 निकल चल रे अब तो निकल। 10 पैसा क्या रे भिखारी समझा क्या? चल नीचे उतर। इसके गर्दन काट के फेंक दूंगा मैं। देख झगड़ा तेरे और मेरे बीच है, इन्हें छोड़ दे, ये मां समान है। ये बुढ़ी मां होगी तेरी, अगर तू आगे बढ़ा तो इसे जान से मार दूंगा मैं। और तुम तो जानते हो जब तक तुम मंदिर नहीं पहुंचोगे तब तक बिंदिया की पाल नहीं बजेगी। ये
दफली तेरी पायल, मेरी दफली तेरी पायल, बजते हैं एक साथ हो रब जाने है क्या बात, ओ रब जाने है क्या बात। छम छम से संगीतों की होती है बरसात हो रब जाने है क्या बात, हो रब जाने है क्या बात। जब तक मेरा साथ न दे तू, जब तक मेरा साथ न दे तू, इन हाथों में हाथ न दे तू, खाली खाली सोनी सोनी, खाली खाली सोनी सोनी, लगती है हर बात हो रब जाने है क्या बात, हो रब जाने है क्या बात। तेरी डफली मेरी पायल, ओ मेरी डफली तेरी पायल, बजते हैं एक साथ हो रब जाने गुरु खाना खा लो। तुम भी कमाल हो यार, बिंदिया ने सबसे प्यारा कहकर दो लड्डू क्या दे दिए, तुम समझने लगे वो तुमसे शादी करने को तैयार है। यार तुम वाकई भोला शंकर हो। और तुम गधे। कोई शरीफ लड़की अपने मुंह से अपनी शादी की बात करेगी? इशारे होते हैं इशारे, और फिर इशारे वही समझता है जो प्यार करता है। अरे शंकर हमसे भी तो दो बातें प्यार की कर लो। घूम फिर के आ गई ना मेरे पास। तुझे हजार बार कहा है कि मुझे ऐसी वैसी बातें पसंद नहीं। और तुझे भी हजार बार कहा है जल्दी से बात पक्की कर ले, नहीं तो ये बिजली कहीं और गिर पड़ेगी। बिजली कितना बिल हुआ मेरा? ओफो साला, जब भी दिल की बात शुरू करती हूँ कोई ना कोई बिल की बात शुरू कर देता है। आती हूँ। तेरे 26 रुपए बनते हैं, लिख ले खाते में। ए चीटर कहीं के, तेरी जेब में पैसे है कि नहीं? पिछली बार चूना लगा गया था मुझे। मुझे चीटर बोलती है? अरे यहाँ देख, अपने से कितने बड़े बड़े चीटर पड़े हैं इस दुनिया में। ये जेल से भागा हुआ है, 50,000 रुपए का इनाम है इसके सिर पर, पुलिस पीछे पड़ी है इसके। हाँ यहाँ तो नहीं है, चलो आगे देखते हैं। हाँ इस वर्दी का मैं क्या करूं, ये तो मुझे फिर से जेल भिजवाएगी। लगता ये कोई सर्कस से भागा हुआ है, लेकिन इस जोकर का साइज अपनी साइज के साथ मिलता है। हाय रवि डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो तुम आज?
मैं रवि। ओ मैं रवि ना है, आपको गलत फहमी हुआ है, पीलू पटेल। पीलू पटेल या मजाक क्यों कर रहा है डार्लिंग, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, भूल गया, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे डार्लिंग, और साथ में गिल्ली डंडा भी खेलते थे। गिल्ली डंडा मेरा बचपन का दोस्त, हमारा बचपन तो इंग्लैंड में गुजरा है, मैं एक इंजीनियर हूँ, इधर इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से ब्रिज बनाने को आया, पुल, यू नो डार्लिंग। तू झूठ कब से बोलने लगा, स्कूल में तो तू बड़ा सीधा साधा था। चल लगी 10,000 की शर्त कि तू पीलू पटेल नहीं रवि है। पीलू पटेल 10,000 और मैडमैन 10,000। श्योर आई एम रवि नो पीलू पटेल। ओके डार्लिंग 10,000। ओके 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 जस्ट सी माय नेम इज नॉट पीलू पटेल, ये मेरा रिजर्वेशन टिकट है, इससे मेरा नाम पीलू पटेल लिखा है, जस्ट सी सी पीलू पटेल शांतिनगर। या 10,000 लाओ। लेकिन डार्लिंग टिकट तो नकली नाम से भी निकाला जा सकता है, अगर मुझे ठीक से याद है तुम्हारे बदन पर पीछे एक बहुत बड़ा तिल है। तिल पीछे? हाँ, जिससे साबित होगा कि तुम पीलू पटेल नहीं रवि हो, नहीं तो 10,000 तुम्हारे, ऑल योर। ओके 10,000 10,000 हमारे। ओके तिल। ओके नो प्रॉब्लम जी, जस्ट सी डार्लिंग मदद करूं खोलूं? ए डार्लिंग कितना शर्माते हो। जस्ट सी किधर तिल 10,000 डार्लिंग। पीछे का मतलब पूरा पीछे, यानी कि नीचे पीछे नीचे, मतलब बैंड भी उतारनी पड़ेगी, दिल जो देखना है ना। ओ पैंट नहीं उतारेगा फिर 10,000 नहीं मिलेगा। ओ 10,000 ओके पैंट उतारेगा लेकिन इधर नहीं उतारेगा, हमको शर्म आता है। शर्म आता है डार्लिंग? इधर शर्म आता है तो पास के बाथरूम में चलेगा। ओके नो प्रॉब्लम। कम ऑन डार्लिंग कम ऑन। ए मैन तुम इधर रुको, तुम किधर आता है? मैं नहीं आता है, दिल दिखाता है, पहले मुंह उधर करो। ओके डार्लिंग जैसे तू बोलता है। अब 10,000 हमारा हो जाएगा, ऐसा मैडमैन मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ या ओके जैसे इंडिया की तरह डार्लिंग चड्डी भी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि तिल शायद कोने में भी हो सकता है। चड्डी नहीं उतारेगा। अरे हम तुमको 10,000 का 15,000 देगा डार्लिंग, लेकिन चड्डी उतारना पड़ेगा और कोने का तिल दिखाना ही पड़ेगा तुमको। 15,000 15। ओके ओके मैं पहले तुम मुंह उधर करो, आंख बंद करो। ओके 15,000 के लिए हम कुछ भी उतारेगा। ए मैन देखो ओके पहले तुम मुंह उधर करो और आंख बंद करो, फिर हम देखेगा डार्लिंग। नो प्रॉब्लम 1000 15,000 मेरा हो गया है। या 15,000 हे मैन, हे मैन किधर गया? हमारा टीची भी लेके गया है, मैं चीज किया। ए ए ए पकड़ो, ए पकड़ो, ए पकड़ो इसको। लगता है इंजीनियर बाबू यही है। बेटा पहली बार गांव में आ रहा है, पहचानते तो हम भी नहीं उन्हें, पर लगता यही है। टिकट प्लीज। माफ करना साहब, आप ही इंजीनियर बाबू हैं? मैं? अजी आपसे। लगता है मैं जिसके कपड़े लेकर भागा हूँ ये लोग मुझे वही समझ रहे हैं। जी हाँ, मैं ही इंजीनियर बाबू हूँ, दी पीलू पटेल फ्रॉम द इंग्लैंड, वर्किंग एम्प्लॉई ऑफ द मल्टीपुल्टी नेशनल सिस्टम। मिल जाए, मैं यहाँ ब्रिज बनाने आया हूँ, यू नो पूल पूल। अरे इंजीनियर साहब यही है, देखते रहियो, बनाओ माला। क्या माल है जी, आपने कुछ कहा? जी मैं कह रहा था कि कितनी खूबसूरत फूलों की माला है जो आप लोगों ने पहनाई है मुझे। इंजीनियर बाबू आप आ गए हैं तो लगता है सारे गांव का नक्शा बदल जाएगा। आप बस देखते जाइए,
धीरे धीरे मैं ये सारे गांव का नक्शा बदल दूंगा। तो फिर चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपना सारा गांव दिखाती हूँ। जाओ बेटा जाओ। You know, I know, making 10,000 and making pool and a... कैसा लगा हमारा गांव इंजीनियर बाबू? गांव भी खूबसूरत है और गांव वाले भी खूबसूरत हैं। कितना खूबसूरत है वो तो है। मैं फूल की बात कर रही हूँ। ओहो, आ कितना खूबसूरत फूल है भाई, वाह। मुझे लाके दो ना। वो तो इतना ऊंचा है। लाइए ना। फिर से कहो ना। लाइए। आए हाय, अभी लाके देता हूँ। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, चढ़ोगे तो फूल मिलेगा, फूल मिलेगा तो फल मिलेगा। फटी, ये मैं कहाँ फंस गया? हेलो, ये कच्ची कली कौन है? हमने इसे आज तक क्यों नहीं देखा? सरकार, आप गांव में रहते ही कहाँ हैं? कल आए और आज चल दिए, वरना गांव में एक से एक कली है। कोई बात नहीं, इस कच्ची कली को हम फूल बनाकर ही शहर जाएंगे। लड़की को छेड़ता है डार्लिंग, अब हो गए ना हवा टाइट। एक मिनट, ये रहा आपका फूल, जिसके चक्कर में हम ब्लडी फूल हो गए। बाबूजी। हाँ जी। हम इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर जाने की जरूरत क्या है डार्लिंग? हाँ, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम इस खड्डे से निकले कैसे? आइए डार्लिंग, अब हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रहे, बहुत ही सुखद रहे। ये तो होना ही था। अब आइए आइए, पकड़िए। हाँ हाँ, मुझे पकड़ो डार्लिंग। ये क्या कोई चोर को पकड़ा है? हाँ? जरा
अच्छी तरह पकड़ो डार्लिंग, अच्छी तरह। कोई बकरी के बच्चे को पकड़ रही हो? देखो जरा ठीक से पकड़ो, जोर से। देखो जोर से नहीं पकड़ोगी तो गिर जाओगी, और जोर से। अब हमारा विमान ऊपर जाने के लिए तैयार है, ओके। तेरा किताबी किताबी हस आंखों में जवाबी जवाबी, चेहरा तेरा किताबी किताबी हस आंखों में जवाबी जवाबी, देख के तेरे होठों की लाली, देख के तेरे होठों की लाली, हो गई नजरे शराबी शराबी। तुझे अपना दे जाऊं, देखती रह जाए दुनिया, तुझको उठा के मैं ले जाऊं। कभी तू मिल जाए बस वो ही किस्मत वाला है। तुझ में ऐसी मस्ती है, दिल की दुनिया मस्ती है, तू अलबेला तेरे आगे औरों की क्या हस्ती है। चेहरा तेरा किताबी किताबी हस आंखों में जवाबी जवाबी, देख के तेरे होठों की शराबी। चेहरा तेरा किताबी किताबी हाथ आंखों में जवाबी जवाबी, छोड़
अरे क्या हुआ कप्तान साहब? जी फंस गई है भाई साहब, जरा मदद कीजिए। अब भी लीजिए। अरे आपने क्या बात कर दी कप्तान साहब, आप हम देशवासियों के लिए जान देते हैं, हम इतना नहीं कर सकते। आप हट जाइए, समझिए काम हो गया। लेकिन आप इसे अकेले निकालेंगे? मैं अकेले कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास एक क्रेन है। क्रेन? जी हाँ क्रेन, क्रेन। रेखा कप्तान साहब जाइए। शुक्रिया मेरे भाई। कैप्टन साहब, भाई कहा तो शुक्रिया किस बात का, चलता हूं। कैप्टन साहब, ये बटुआ आपका है? हाँ। और ये तस्वीर? मेरी माँ की है। मैं जानता हूं इन्हें। कैसे? हम तो किशनगंज में रहते हैं। एक बार बाजार में मिली थी, वहां मैं एक बदमाश को जान से मारने वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेटा कह के रुकवा दिया मुझे। फिर तो मां अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होगी। चलो मेरे साथ। जरूर चलता, मगर मुझे माल पहुंचाना बहुत जरूरी है। हा? फिर कभी? फिर कभी नहीं, इसी संडे को मेरी बच्ची का जन्मदिन है और तुम जरूर आओगे। माँ। बेटा कैसी हो? माँ जीते रहो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटा हुई थी माँ, तूने दूर कर दी। मैंने? हाँ माँ, मेरी जीप खाई में फंस गई थी, मैंने तेरा नाम लिया और तूने भेज दिया एक अच्छा सा भाई। भाई? हाँ माँ, नाम है उसका शंकर। लेकिन उसे मिलकर ऐसा लगा जैसे अपना कोई बिछड़ा हुआ सा मिल गया हो। एकदम मैग्नेट है माँ वो, एकदम मैग्नेट। एक मिनट माँ, कैसी हो? 3 साल बाद पूछते हो कैसी हो, याद नहीं आई हमारी? तेरी याद तो मेरी हर धड़कन में शामिल है। हर साल 1 महीने की छुट्टी आता था तो दिल नहीं भरता था, इसलिए 3 साल बाद 3 महीने की लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आती हूँ बेटा। हाँ माँ। हमारी राजकुमारी कहाँ है? करवाया कैप्टन, मैंने कसम खाई थी कि मैं इंस्पेक्टर जसवंत के वंश को मिटा दूंगा और आज मैं वो कसम पूरी करने आया हूं। काला डाकू, मिटाने वाले खुद मिट गए यहां, और कसम है मुझे इस मिट्टी की जिसमें तुझे भी मिलाना है। निहत्ते व्यवहार करने वाले बहादुरी का मुकाबला कर। हाँ जानता हूं तू बहादुर है, इसलिए तुझे मुकाबले का मौका जरूर दूंगा। ले चला गोली, चला, बराबर का मौका है ना, कायदे की बात है। तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत का तमाशा देख। ये एनक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कितने की है? सिर्फ 400 रुपए। क्या गुरु, 200 रुपए की जैकेट बड़ी सस्ती मिल रही है। 200 रुपए गुरु जैकेट। ज्यादा है? रख लो इसे। अरे वाह, अरे भैया ये ले 200 रुपए जैकेट दे दे। अरे क्या बात है गुरु, देखा है गुरु,
सुनिए जी, जो लड़की अभी भी यहाँ थी उसे कौन सी चीज पसंद थी? उसे ये पायल पसंद थी। कितने की है? सिर्फ 400 रुपए। इतने ही बचे हैं। देखिए आप ये रख लीजिए। हाँ। बाकी पैसे मैं घर से ला कर देता हूँ। ठीक है। हाँ? ठीक। ये! ये मेला तो शमशान की तरह लग रहा है। पैसे पायल दे। अरे पायल क्या, सारा माल लूट के ले गए। कौन? डाकू लोग। हाँ, लेकिन कौन सा डाकू? वो काले कपड़े वाला डाकू। अब जो मैं तुझसे कहूँ वैसे ही करते रहना, समझा? समझा? बस। बस। अबे क्या करता है, कभी हंसता है कभी रोता है, पागल हो गया क्या? अबे ठीक ठीक बोल, हाँ या नहीं, हथिया गया क्या? अरे यार बड़े मजे की नींद आ रही थी, थोड़ा और आगे ले चलो ना यार। अरे साहब ये बस यही खाली होके वापस शहर जाएगी। शहर? नहीं नहीं नहीं, शहर नहीं जाना, शहर से तो भाग गया हूँ। क्या मतलब? वहाँ की गंदी हवा से, भीड़ भाड़ से, यार डबल किराया दूं तो भी नहीं आगे जा सकते। साहब अगर ऐसा ही आपको शौक है तो आप अपनी बस खरीद लो। अरे खरीद लेता, पर बसें आजकल खरीदने लायक कहाँ रही हैं, हमारा जमाना और था। मैं पता नहीं पत्नी। सॉरी। नमस्ते भाई साहब। भाभी जी नमस्ते। मैं भाभी नहीं हूँ, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी से पहले ही? मुझे लगता था ये सब सिर्फ शहरों में होता है। भाई साहब जरा आप पुलिस स्टेशन का रास्ता बता सकते? डार्लिंग यहाँ पुलिस स्टेशन भी है? देखिए मैं इस गांव में नया हूँ इसलिए। आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन यहाँ से थोड़ी दूर है। हाँ? मगर इंस्पेक्टर साहब बगल में रहते हैं। अच्छा अच्छा, बगल में। आप यहाँ से सीधे चले जाइए। हाँ? इमली के पेड़ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ? 10 कदम चलने पर एक बैठी हुई भैंस मिलेगी। भैंस अगर खड़ी हुई मिली तो? हाँ? तो मैं उसी से पता पूछ लूंगा। कैरी ऑन। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, रुकावट के लिए खेद है। भाई साहब एक मिनट। हाँ जी।
डार्लिंग बड़ी मेहरबानी होगी आप अपना ये खाली बटुआ अपने साथ ले जाइए। अरे ये मेरा बटुआ ये आपके पास कैसे आ गया है? उसी तरह से जिस तरह मेरा भरा हुआ बटुआ आपके पास आ गया। मेरे पास? मेरे पास कहाँ है? ये आपका बटुआ? ये मेरी जेब में आ गया? कमाल है। इसमें कोई कमाल नहीं, लेकिन कमाल की बात ये है कि मैं समझता था कि ये सब लोचा सिर्फ शहरों में होता है। हाँ, लेकिन अब गांव में भी गुरु लोग आ गए। टच में रहना डार्लिंग। वाह अंकल, आपने क्या कैच किया, बिल्कुल सचिन की तरह। बेटे आजकल के जमाने में फेंका फेंकी इतनी चल गई है कि मैं कैच पकड़ने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। लोग फेंकते हैं, मैं पकड़ता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। आप समझे? मैं नहीं समझा। इसीलिए अभी तक हवलदार हो। क्या सर? बाद में समझाऊंगा। क्या है बेटे, वो बात ही क्या जो समझ में आ जाए। आजकल के जमाने में लगना चाहिए कि वाह क्या बात हुई, पर समझ में नहीं आना चाहिए कि क्या बात हुई। अच्छा देखो, तुम फेंको मैं पकड़ता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। हाँ, एक मिनट अंकल। ओके। हवलदार अंकल, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो खेले। अरे अंकल, आपने कुंडी तोड़ दी। टूटा कहाँ है? देखो अगर तुम्हारी मम्मी पूछे तुमने तोड़ा है। नमस्ते जी। आप कौन है? फाइल मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। अच्छा, आप सरकारी काम से आए हैं। बैठिए ना, बैठिए। इंस्पेक्टर साहब तैयार हो रहे हैं, मैं उन्हें भेजती हूँ। बैठिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। आप मम्मी के साथ ऐसे कैसे बात करते हैं, हकला हकला के? यही तो मैं तुमसे कह रहा था दोस्त, बहुत कुछ बात करो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी बात मत करो सब कुछ समझ में आ जाता है। अब देखो तुम्हारी मम्मी हमें चाय पिला रही है। देखा, चाय चाय लेके आओ। अच्छा हाँ अंकल, ये बिस्किट बहुत अच्छी है, आप खाइए ना। अच्छा तो फिर पहले आप खाओ और ये एक। हेलो। और जय हिंद सर। तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए कैसे तकलीफ की? ऐसे ही जरा गांव में आया था, पता चला कि पुलिस स्टेशन जरा दूर है लेकिन इंस्पेक्टर साहब का घर यही है, तो मैंने सोचा घर पर ही मिलता चलूं। बिस्किट खाइए। शुक्रिया। कौन से पुलिस स्टेशन से आए हो? पुलिस स्टेशन से नहीं, मैं जेल से आया हूँ। जेल से? क्या कोई कैदी भागकर मेरे इलाके में आया है? भागकर नहीं, छूट कर आया। क्या नाम है उसका? ये उसकी फाइल। आप बेफिक्र रहिए, अगर वो मेरे इलाके में आया है तो मैं उसे जरूर जान कर रहा हूँ। ये फोटो तो आपकी है? हाँ ये फोटो मेरी है, फाइल मेरी है। मेरा नाम मंगल है, मैं शहर में जेब कतरा था, पकड़ा गया, जेल हो गई। जब जेल से छूटा तो दिल ने कहा कि शहर में ईमानदारी की जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसीलिए गांव में आया। मैं तड़ी पार हूँ सरकार, इसलिए जिस गांव में भी जाता हूं मुझे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। बिस्किट नीचे रखो। रख दिया। चाय पी लूं? नीचे खड़े हो जाओ, जरा भूख लगी थी। इसलिए आए हो यहां? सुना है यहां की आब हवा बड़ी अच्छी है। हवा? अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना यहां तो तुम्हारी हवा निकाल दूंगा। सर मैं वादा करता हूं मैं वो कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं तो ईमानदारी की जिंदगी गुजारने आया हूं। वो क्या है, आप क्या है कि यहाँ पर मेरा पास्ट रिकॉर्ड कोई नहीं जानता है, तो इस गांव में मेहनत मजदूरी करने का मुझे थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा, गरीब का पेट भरेगा, आपको दुआएं देगा बाबा। लेकिन सुनो, अगर तुमने ये तुम्हारे हाथ कहीं उठाए या चलाए ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। नहीं सरकार, मैं वादा करता हूँ ये हाथ सिवाय खाने के और धोने के किसी काम के लिए नहीं उठेंगे, किसी काम के लिए नहीं। ठीक है तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। ये अपनी फाइल ले जाऊं? रहने दो। भाभी जी नमस्ते। जय हो। प्रभु तुम तो जानते हो अपना इस दुनिया में दो चीजों से गहरा रिश्ता है, एक तुमसे और एक पुलिस से। पुलिस से तो मैं मिल लिया हूं इसलिए अब तुम्हारी शरण में आया हूं प्रभु। प्रभु इंस्पेक्टर साहब ने धमकी दी है
कि अगर इन हाथों का गलत इस्तेमाल किया तो अंदर कर दूंगा, और अंदर जाने का फिलहाल अपना कोई विचार नहीं है। तो फिर इस पापी पेट को कैसे भरा जाए प्रभु? इसका रास्ता तो तुम्हें ही दिखाना है, और जब तक तुम मुझे रास्ता नहीं दिखाते तब तक मैं तुमसे ये 50 रुपए उधार लिए जा रहा हूं। ले लूं? सिर्फ 50 रुपए? हम पे दया कीजिए मुनीम जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं इस बार सूखा पड़ा है, अनाज तो खाने तक को नहीं है, और जमींदार का लगान कौन तुम्हारा बाप देगा? कितनी बार कहलवा भेजा तुम लोगों को, तुम लोगों के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। ए जमींदार के चमचे, मेरे बापू के साथ बदतमीजी मत कर। बदतमीजी क्या होती है अभी बताता हूँ तुम लोगों को, मारो रे हरामखोरों को। क्या करो मुनीम जी? अबे ओ डार्लिंग, तुम्हारे माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि औरतों और बुड्ढों पर हाथ नहीं उठाते? तू कौन है बीच में आने वाला? मारो मारो सर, मारो मारो। मैं। अरे बीच में से हट जा शंकर, यहाँ दखल मत देना, मैं अच्छी तरह से कह रहा हूँ यहाँ दखल मत देना, तू जमींदार को नहीं जानता। जानता हूँ। जानता है? जानता है, फिर भी तू देखो देखो, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, यहाँ दखल मत देना, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। हाँ हो जाने दो। हो जाने दो? अरे हो जाने दो का मतलब क्या हुआ? हो जाने दो का मतलब क्या हुआ? अरे अरे यार, मैं प्यार से तुझे समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से कह रहा हूँ, और तू मुझ पर चढ़े चला रहा है। ये तो मेरी पुरानी आदत है। अरे पुरानी आदत है तो क्या, वो छोड़ दे आदत, ये आदत बहुत बुरी है। मेरे ऊपर मत चढ़े चले, मेरे हाथ में बंदूक है, मैं गोली चला दूंगा, सचमुच कह रहा हूँ, मैं गोली चला दूंगा। चला दे। चला दो। देखो भाइयों, मुझे गोली चलाने के लिए कह रहा है, अगर मैं गोली चला दूंगा तो बहुत खून खराबा हो सकता है। चला भी देगा तो क्या होगा, इसमें गोलियां तो है नहीं। जानता है? अरे मैं तेरे जमींदार को अच्छी तरह से जानता हूँ, बंदूक दे दी लेकिन गोलियां नहीं थी। सबके सामने मत बोल। अरे तुम लोग जानते हो तुम्हारे सरदार के पास बंदूक है लेकिन इसमें कोई गोली नहीं। चुप कर मेरे बाप, तेरे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। गोली होती भी तो तू क्या कर लेता? गोली होती तो भी क्या करता, कुछ नहीं कुछ। अरे मेरी नौकरी। इंजीनियर बाबू कान पीलू पटेल। इंजीनियर बाबू, आपने मेरी बिंदिया की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें कोई बात नहीं डार्लिंग, मैंने इसको बचाया, तूने मुझे बचाया, इक्वल इक्वल 50-50 डार्लिंग। ओके डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग फ्रेंड दोस्त। शंकर अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। बिंदिया तुम जब भी मुझे बुलाओगी, जहां भी बुलाओगी, हमेशा वहां पाओगी।
क्या बात है, चलो दवा लगा देती हूँ। चलो चलो डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। भाई साहब ये मारपीट किस लिए हो रही थी? जमींदार के आदमी लगान वसूल करने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोग लगान देते क्यों नहीं हो? कहाँ से दे, क्योंकि फसल अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जमींदार ना अच्छे बीज देते हैं ना ही खेतों के लिए पानी। जमींदार हमें देता क्या है, ना गांव में कोई अस्पताल है, ना कुआं है, ना बिजली है, ना कोई स्कूल है। अच्छा, आखिर हम लगान दें क्यों? अगर आप सबकी समस्याएं दूर हो जाएं तो? कौन दूर करेगा? अरे दूर तो जमींदार साहब ही करेंगे, लेकिन आप सब गांव वालों को मेरा साथ देना पड़ेगा। साथ हम देंगे मगर जमींदार मानेगा नहीं। अरे मानेगा कैसे नहीं, उसकी जन्म कुंडली की किताब मैंने पढ़ रखी है, अब उसके सितारों को मैं कैसे घुमाता हूँ वो देखते जाओ। अरे बंदूक में गोली नहीं थी तो क्या हुआ, बंदूक तो थी। लेकिन ठाकुर साहब आजकल की पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, वो यूं ही आसानी से मेरा मतलब है उल्लू नहीं बनती। ठाकुर साहब की जय हो। जय किस बात की? मैं नहीं, वो। जय हो ठाकुर साहब की जय हो। तुम किस खेत की मूली हो? अरे मैं मूली नहीं ठाकुर साहब, मैं राजनीति के खेत की गाजर हूँ। मीठी 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 मीठी, ये राजनीति का खेत क्या है? अरे राजनीति का खेत ठाकुर साहब, जिसमें बीज बोया जाता है वोटों का, फसल उगती है कुर्सी की, जिस पर बैठकर ताकत और दौलत दोनों काबू में आ जाते हैं। क्या समझा? नहीं अभी तक तो नहीं। हाँ ये हमारे जवाब का जवाब नहीं हुआ, नाम बताओ। मेरा नाम मंगल है ठाकुर साहब, मंगल। जिस पर गुरु और शनि का असर कम होता है ना, मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ, असर बढ़ जाता है और वही होने लगता है जो वो चाहता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठो बैठो बैठो। ठाकुर साहब क्या है कि मुझे मालूम है कि आपके बाप दादा कई पुश्तों से इस गाँव पर राज करते आए हैं, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और अब लोगों पर काबू पाने के लिए आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय कर्ज देने का कारोबार शुरू किया है। ये ठीक बोलता है। लेकिन लोग काबू में आने के बजाय कर्ज दबा के बैठ जाते हैं। ठीक है ना। और आपके लोग ज्यादा जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते, वरना पुलिस थाना होगा। ये भी ठीक बोलता है जी, ठीक है। ठाकुर साहब क्या है, लोगों पर काबू पाने के लिए, उनके दिलों पर राज करने के लिए आपको राजनीति की कुर्सी पर बैठना बहुत जरूरी है। मगर ये राजनीति की कुर्सी पर हम बैठेंगे कैसे? उसका रास्ता मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा जरूर होगा। खर्च करना होगा? कितना खर्च करना होगा? मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? हाँ, सैंपल के तौर पर। अगर मैं एक बार आपकी जय जयकार करवा दूं तो? तालियों के साथ? बिल्कुल गारंटीड। मुनीम जी, जी मुझे 10,000 रुपया दीजिए। लेकिन ठाकुर साहब, ऐसा आपका नहीं मेरा है, जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए। तो 10,000 में जय जयकार, तालियों के साथ। कैसा लग रहा है ठाकुर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और तालियां बजवाओ। हाँ बजवाओ बजवाओ ठाकुर साहब, लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं, मेरा पैसा। चुप। हाँ तो दोस्तों, ठाकुर साहब ने ये ऐलान करने को कहा है कि आज तक उन्होंने जिस जिस को भी पैसा उधार दिया है उसका एक एक पैसा वो माफ करते हैं। और आप सबका कीमती वोट पाकर वो कुर्सी तोड़ेंगे। तालियां। हाय डैड, हाउ आर यू? हेलो बेटा, हेलो बेटा। आजकल तुम बिल्कुल नहीं आते हो यहाँ, क्या बात है? डैड गांव भी कोई आने की जगह है? जहाँ देखो वहाँ धूल गर्मी गंदगी, हर जगह गोबर पड़ा रहता है। ठाकुर साहब ये आपके? ये मेरा गोबर है, मेरा बेटा है विक्रम है, विक्रम। ये नमूना कौन है? ये नमूना नहीं है, ये बहुत खास आदमी है, ये हमको नेता बनाने वाला है। नेता? हाँ। You mean politics? हाँ हाँ वही टिक्स। इन्होंने आज गांव में हमारे नाम की इतनी ताली बजवा दी कि हमारे बाप दादा ने भी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। आप कहें तो आपकी भी बजवा दूं? हाँ। क्या मतलब? मतलब तालियां, तालियां। आप बहुत बदतमीज आदमी लगते हैं मुझे। बेटे तुम्हें कहीं जाना था? हाँ जा रहा हूँ। हाँ सी यू लेटर। सी यू सी यू सी यू। ठाकुर साहब ये सचमुच आपका बेटा है? हाँ हाँ सगा है। ओ, अच्छा हाँ। इतना काला? इनकी स्वर्गवासी माँ
जो कुछ भी बनाती थी जला देती थी। ओ अच्छा, इसीलिए इतना जला भुना है। हाँ। जॉन, जमींदार का आदमी कोई नजर नहीं आ रहा, चलो तब तक ढाबे में जाकर कुछ खा पी लेते हैं। अबे क्या बे, अरे तुझे बात करने की तमीज नहीं है? अरे जैसा सवाल वैसा जवाब, तूने कहा अबे, मैंने कहा क्या बे, आप कहते कि सुनिए भाई साहब, मैं कहता क्या है भाई साहब। साले बहुत बोलता है। लेकिन सुनो, अगर तुमने ये तुम्हारे हाथ कहीं उठाए या चलाए ना, तो सीधा अंदर कर दूंगा। ये सवाल कैसा रहा? जवाब भी मिल जाएगा। बे चल चल। बोल, खाएगा पिएगा या पिएगा खाएगा? अरे जो खिलाएगी खाएगा, जो पिलाएगी पिएगा। एक सब्जी ले आना, और दाल कौन सी है? मूंग की दाल धुली हुई। हाँ वही लेके आना, और जरा अच्छी तरह से धो के देना। क्या प्लेट? हाँ ये और मंगा लेंगे। अब बिजली मुझे एक दाल देना। देती हूँ। अरे दो अंडे की भुर्जी भेजना। अरे ठहर जा, पहले इसे दाल तो दे दूं। अरे उस उल्लू को बाद में देना, पहले हमें दे। ओए, उल्लू किसको बोला तूने? ओए, उल्लू किसने बोला? तूने? हमने? अरे नहीं नहीं नहीं, हमने तुमने में झगड़ा बढ़ जाएगा भैया, गुस्सा मत करो। इसने उल्लू नहीं कहा, और कहा भी है तो माफी मांग लेगा। चल माफी मांग। माफी किस बात की? हमने उल्लू कहा ही नहीं, और कहा भी है तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ए लो। भैया अरे माफी मांग लेना यार। चल ए भैया, ज्यादा जोर से मत मार रहा है, सिर्फ उल्लू ही तो कहा है। अब तुम्हारी बारी। One, two, three. चिपको, गाड़ी के पीछे से ओटा निकाल। चल। नहीं निकलता, मैं बहुत खाना खाया, आराम कर रहा हूँ। ओए कौन है तू? मैं मंगल हूँ। क्या यार, खाम खाम मुझ शरीफ आदमी को वो गुंडे रोब दिखा रहे थे, मैंने सोचा उन्हें असली मर्द से भिड़ा देता हूँ। शेर के सामने भेड़ बकरी बन गए दोनों। तू वो यदा यदा हे धर्मस, अर्थात जहाँ कहीं मेरी जरूरत होती है मैं वहां पहुंच जाता हूँ। जैसे गांव की समस्या सुलझाने के लिए जमींदार को पटाना जरूरी था, मैं वहां पहुंच गया। तुम जैसे भले आदमी से मिलना जरूरी था, मैं ढाबे में पहुंच गया। अब तुमसे दोस्ती करना जरूरी है तो मैं यहां पहुंच गया। हो जाए, अब ये दोस्ती बढ़ती रहनी चाहिए। जरूर बढ़ेगी। वादा? वादा। सुदीप बेटे, इस शिवरात्रि को काला डाकू की मौत बनकर आ रहा है तुम्हारा छोटा भाई। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाती हूँ, तुम्हारे खून की एक एक बूंद का हिसाब लेगा वो। बस बस एक बार आने दो।
तुम बाजार में? जी हाँ, कैप्टन साहब कहाँ हैं? बाजी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सबको मार डाला उस बेरहम ने, मेरा सारा घर उजाड़ दिया उसने, ये कैसे हुआ माजी? किसने किया ये सब कुछ? काला डाकू ने, सालों पहले उसने मेरे पति की हत्या की और अब मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जिंदा जला डाला। काला डाकू भी जिंदा जलेगा माजी, जिस तरह उसने आपके बेटे को जलाया उसी तरह आप भी अपने हाथों से उसे जलाएंगी, ये मेरा वादा रहा। वेलकम माय डियर विक्रम सिंह, वेलकम वेलकम। हाउ आर यू कल्लू बाबा? आई एम फाइन, प्लीज बी सीटेड। तो कहिए छोटे ठाकुर, हमारे लिए क्या खबर लाए हो? कल दिन को अपने किसी आदमी के हाथ 50,000 रुपया एडवांस के तौर पर बिजली के ढाबे पर भिजवा देना। अच्छा, वहाँ शहर वाली पार्टी का एजेंट होगा। हाँ? और वो आदमी 15 उजी स्टेनगन्स, 20 टेलीस्कोप राइफल्स, 50 ग्रेनेड्स, 2,000 बुलेट्स पूर्वी जंगल की जो कौन सी भूरी पहाड़ी है वहां पहुंचा देगा। लेकिन किस वक्त? ये आज रात को डिसाइड हो जाएगा। बस रोको, आ जाओ। How are you? Fine. चलिए देखें तो सही कि कौन कौन से हथियार लाए हैं आप। वेरी गुड नूरा, ये सब हथियार बग्गी में डाल दो जल्दी। थैंक यू वेरी मच जान। Oh!
यह लूटे हुए हथियार पाजे। हाँ, अब इन बंदूकों से निकलने वाली गोलियों की आवाज मेरे कानों में गुंजनी शुरू हो गई है। उस भयानक हंसी पर मौत का बढ़ता साया मुझे नजर आ रहा है। शंकर बेटा, जल्दी ही तुझे कलाईकारी शंकर का रूप धारण करना पड़ेगा। कौन है ये शंकर जो ये भी नहीं जानता कि कल्लू बाबा का माल लूट ले जाना अपनी मौत को साथ ले जाना है? वो एक मामूली ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर जो किशनगंज गांव में रहता है। ये वही है बाबा जिसने हमें मेले में माल लूटने से रोका था। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। लगता है उसकी आत्मा बहुत व्याकुल हो गई है हमारे हाथों मुक्ति पाने के लिए। सरदार ये कहता है कि शंकर शहर को गया है, शाम को आएगा। अब शंकर इस गांव में नहीं रहेगा। सुना तुम लोगों ने? अब शंकर इस गांव में नहीं रहेगा। अगर शंकर इस गांव में रहा तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगर किसी ने शंकर को पनाह देने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को जला दूंगा, तुम सबको बेघर कर दूंगा, बेघर। अरे आप सब लोग यहाँ क्या बात क्या है? शंकर काला डाकू आया था, वो धमकी देकर गया है कि अगर शंकर को पनाह दी तो सारे गांव को जलाकर राख कर देगा। हाँ तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊं? माना मैंने गांव छोड़ भी दिया तो काला डाकू तुम्हें चैन से जीने देगा? आज वो मुझे निकाल रहा है, कल वो तुम्हें निकालेगा, तुम्हें निकालेगा। कब तक उसका हुक्म मानोगे? अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो, किसी और को मत बनने दो। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। बुजदिलों की तरह उसकी गोली का निशाना बनना चाहोगे या बहादुरों की तरह उसकी गोली का जवाब गोली से देना चाहोगे? बोलो। शंकर ठीक कहता है, हम सब लोगों को मिलकर शंकर का साथ देना चाहिए। हाँ हाँ, हम सब शंकर के साथ हैं।
हाँ? डार्लिंग, एक ताश में छह केक कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते? हम जैसे डार्लिंग लोगों के पास निकल आते हैं कभी कभी बरसात के मौसम में। तो फिर क्यों नहीं हम अपनी चीज चीज उठा ले। हाँ ठीक है ठीक। इधर आओ। हाँ सर, सलाम सर। सुनो, तुम तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, क्या इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? नहीं, इसको तो कभी भी नहीं देखा। अगर तुम्हें ये आदमी कहीं दिख जाए तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना। यस सर। तुम्हें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। हाँ हाँ, जरूर फौरन इत्तला करूंगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। ओ डार्लिंग, तुम चाहते थे तो मुझे पुलिस के हवाले करके 50,000 रुपए कमा सकते थे। अरे रुपया तो मर्दों के हाथ का मैल है, मैं तो तुम्हारी तरह चोर हूँ। और तुम तो जानते हो चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। अरे चोरों के ही तो उसूल होते हैं डार्लिंग, जुबान के बड़े पक्के होते और कभी किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सारी दुनिया को धोखा दे देना लेकिन उस लड़की को नहीं जो तुमसे मोहब्बत करती है। सच्ची मोहब्बत करने वालों के दिलों में भगवान बसता है। चाहे दिल धड़कन को ऐसे मैंने तुझको चाहा। Thank you.
जैसे चाहे साया तन को, ओ जैसे चाहे साया तन को, जैसे चाहे तन जीवन को, ऐसे मैंने तुझको चाहा। शंकर मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, शंकर मेरी बात सुन, बोल बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई, बोल हिम्मत कैसे की तूने? शंकर शंकर मेरी बात, ये तुझे क्या? शंकर रुक जा, शंकर रुक जा, वरना मेरा हाथ भी उठ जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। शंकर, शंकर रुक जाओ। तुमने नहीं गलत समझा है, मैं बाबूजी से प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दे, शंकर आज क्या हो गया है तुझे? तुझे तो बिल्कुल होश नहीं है, ऊपर से और भी पिए जा रहा है। तुझे क्या है, जब तक मैं होश में हूँ पीता रहूंगा। तू जा और बोतल लेकर आ, जा। शंकर तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम शराब पी रहे हो? मेरी मर्जी, मैं पीऊंगा। देख मैं कह देती हूँ, अब तूने कभी शराब पी तो मैं नहीं चाहिए मुझे ये भाषण। तू जा यहाँ से। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, गाँव वाले सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। करने दे इंतजार, मैं नहीं आऊंगा। चलो ना शंकर, तुम्हें मेरी कसम। जब देखो कसम देती रहती है। शंकर ये कर वो कर, मैं तेरा नौकर हूँ, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं नहीं आऊंगा। शंकर तू क्या पागल हो गया है? बिंदिया तेरे बचपन की साथी है, कितना मान देती है वो तुझे, नशे की हालत में यह भी भूल गया कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। तू उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था, आज उसे रुलाकर भेज दिया। छे! Ah!
से दुआए हाथ उठा के रब से दुआए मांगू मैं दिन रात ओ रब जाने है क्या बात ओ रब जाने तेरी पायल बजते हैं एक साथ ओ रब जाने है क्या बात ओ रब जाने है क्या जी ए, अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो वो सारे हथियार मेरे हवाले कर दो जो तुम लूट के लाए हो। काला डाकू को बोल हथियार चाहिए तो खुद लेने आए। वो शंकर हमें धमकी देता है, कल्लू बाबा को धमकी देता है, हमें उसका गरूर से भरा सर झुकाना है। तो पहले हमें उसे गांव वालों से अलग करना होगा और इसके लिए उसका 4-6 साल के लिए यहाँ से दूर जाना बहुत जरूरी है। वो कैसे? बाबा हमें हथियारों का नुकसान तो जरूर होगा, पुलिस हथियार ले जाएगी मगर 7 साल शंकर को भी ले जाएगी। आइए ठाकुर साहब बैठिए। हाँ। कहिए ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? अपनी गाड़ी से? नहीं, इनके पूछने का मतलब है कि किस सिलसिले में क्यों? हाँ, हाँ, हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में ये डाकू हथियार ये सब कहाँ से आते हैं? पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। जल्द पकड़े जाएंगे? हाँ, अब देखो इन्होंने मेरे नाम की इतनी तालियां बजवा दी, इतनी तालियां बजवा दी। हाँ। जिन्हें इनका मतलब है गालियां। हाँ? गालियां। अब देखिए ना, अगर ये डाकू जल्दी नहीं पकड़े गए तो इलेक्शन में वोटों के बजाय इन्हें गालियां ही मिलेंगी। हाँ, हाँ। वैसे सर, ठाकुर साहब खास तौर से ये जानना चाहते हैं कि इन डाकुओं को ये लेटेस्ट बंदूकें ये सब कहां से आते हैं? पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। छानबीन कर रही है, कर रही है। मेरे ख्याल में गाँव के ही कुछ लोग हैं जो हथियारों का काम कर रहे हैं। आपको किसी पर शक है? शक तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर पुलिस ठीक से गांव की तलाशी लेगी तो आदमी भी मिल जाएंगे और हथियार भी मिल जाएंगे।
शंकर, शंकर, तुम्हारे घर से गैर कानूनी हथियार बरामद हुए हैं। नाजायज हथियार रखने और उसका व्यापार करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। शिट, शिट! अभी आई हिट। दोस्तों दोस्तों देखो, बुजुर्गों का कहना है कि कभी किसी कमजोर इंसान पर हंसना नहीं चाहिए। अगर इस बिचारे का निशाना कमजोर है तो इसमें इसका क्या कसूर है? सालो अबे दिखाता हूँ। भाइयों भाइयों हंसो मत, भाइयों बात सुनो, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया किसी पर हंसी है वो आदमी दुनिया का नामचीन इंसान बन गया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं इस नौजवान की आंखों में एक नामचीन आदमी बनने की चमक देख रहा हूँ। आप लोगों की हंसी से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि आप मुझे अव्वल नंबर का गधा बेवकूफ समझते हैं। लेकिन मैं आप सबके साथ शर्त लगा सकता हूँ कि ये नौजवान उड़ती हुई चिड़िया को मार के गिरा सकता है। अबे उठा, उड़ती चिड़िया तो क्या, खड़े हुए हाथी पर मेरा निशाना नहीं लगता। मरवाना चाहते मुझे? देखो डार्लिंग, अब तो चाहे जियो चाहे मरो, हम दोनों की इज्जत का सवाल है। तो लगी 100-100 की शर्त? 100-100 हजार का भाव दूंगा। हजार का भाव दूंगा, ठीक है। निकालो 100-100 निकालो, 100 के हजार मिलेंगे। अरे हजार मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये क्लब है और क्लब के अंदर उड़ती हुई चिड़िया कहाँ से आएगी, ठीक है ना? तो मैं ताश के ये 52 पत्ते उड़ाऊंगा, ओके? और मेरा ये दोस्त इन 52 पत्तों में से चिड़ी के गुलाम को मारेगा। रेडी? बोलो ना रेडी। हाँ रेडी रेडी रेडी। उड़ा। 1, 2, 3। ये तेरा हिस्सा। डार्लिंग, तुम्हारे बोल बचन से तो किसी को शक नहीं हुआ कि हम दोनों मिले हुए हैं। वैसे एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। उसी की तो रोटी खा रहा हूँ। वैसे आज तेरी वजह से अपनी कलकी दूर हो गई यार। क्या निशाना है तेरा? अरे छोड़ यार, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उड़ते हुए 52 पत्तों में से मेरा निशाना सिर्फ चिड़ी के गुलाम पर कैसे गया? इसलिए कि 52 के 52 पत्ते चिड़ी के गुलाम हैं। छोकरी को उठाकर फार्म हाउस लेकर ओके बॉस जाओ। छोड़ दो मेरी डार्लिंग, छोड़ दो। अपना फार्म हाउस है, जाएगी कहाँ? विक्रम, मैं कह रही हूँ ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। और डार्लिंग, तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? तुमने मेरा दिल लूट लिया है। मैं रातों को सो नहीं पाता, दिन में तुम्हारे सपने देखता रहता हूँ। मैं तो मैड हो गया हूँ। नमस्कार विक्रम बाबू। नमस्कार भाइयों। नमस्कार नमस्कार। साले तुम यहाँ कैसे चले आए? जी मैंने कहा तुम यहाँ कैसे चले आए? वो ऐसा है कि बचपन में मास्टर साहब ने मेरा कान मरोड़ दिया था, तब से मैं ऊंचा सुनता हूँ। जरा आप जोर से बोलेंगे। तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं यहाँ सूंघता हुआ आया हूँ। कुछ गंदी बास आ रही थी यहाँ से, मुझे लगा यहाँ जरूर कोई बुरा काम हो रहा है, तो मैं सूंघता हुआ आ गया। अब तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ जी। Get out! Get out! Get out! हाँ, मुझे भी आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुमको मारूंगा। मारना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं भला आपको कैसे मार सकता हूँ? आप तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। नहीं सॉरी, मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता। तो फिर मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा मेरे कान खराब हैं, मेरी आंखें नहीं, और मैंने वो भी देखा जो आप उस लड़की के साथ कर रहे थे। तो
तो लड़कियों के साथ जो ऐसी बदतमीजी करते हैं उनकी पिटाई होती है, और मैं आपकी पिटाई करना तो नहीं चाहता, लेकिन लगता है कि आप मुझे आपकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। आई एम सॉरी। हाँ हम फॉरेन रिटर्न है, तुम्हारी छुट्टी कर देगा। कमान गेट अप, गेट अप। क्या हुआ था? मैंने ये बदतमीज बहुत जोर से लगी। नहीं नहीं, तो और जोर से मारता हूं। रुक क्यों गए? कुछ नहीं है। मारो मुझे, यहां यहां मारो। ओ सॉरी सॉरी अगेन। डाइंग 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 डाइंग, आखिरी बार सॉरी। सोजा राजकुमारी सोजा सोजा। ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये बदतमीज, आपके मना करने के बावजूद मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि ये बदतमीज इस लड़की की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं मंगल, जो हाथ गुनाह रोकने के लिए उठते हैं कानून उनकी इज्जत करता है, लेकिन जो हाथ गुनाह करते हैं कानून उनके साथ क्या करता है, ये तो मैं इसे पुलिस स्टेशन चलकर बताऊंगा। पकड़ लो इसे। बदतमीज। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, तुम ना आते तो पता नहीं। भाई मान लेने के बाद शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आओ तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ठीक है। जमींदार साहब का बेटा हुआ तो क्या हुआ, लोगों की बहु बेटियों को छेड़ेगा? केस रजिस्टर हो चुका है। बिना जमानत के नहीं छोड़ूंगा। अजी इसीलिए तो मैं आया ये लेकर। जमींदार साहब को खुद पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओह, ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? जमींदार साहब कोई मामूली आदमी थोड़ी है, बहुत बड़े आदमी है। वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हो सकता है मंत्री बन जाए, शायद किसी दिन प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। समझाओ इन्हें। ये क्या समझाएगा मुझे, बेटे की जमानत चाहिए तो जमींदार साहब को खुद आना पड़ेगा। चल 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 ना यार। देखो मुनीम जी, एक बात बताऊं, जुर्म तो विक्रम बाबू ने किया है, है? तो सच्चा पॉलिटिशियन तो वो है जो अपनी गलती से भी अपना फायदा निकाल ले। कैसे? देखो, हम इस केस से भी जमींदार साहब को पब्लिसिटी दिलवाएंगे। हम लोगों को ये बताएंगे कि जमींदार साहब का बेटा बेकसूर होते हुए भी कसूरवार है, और कसूरवार होते हुए भी बेकसूर है, क्योंकि वो जमींदार साहब का बेटा है। इससे हमें पब्लिक की हमदर्दी भी मिलेगी और वोट भी। तो निकालो 5,000 निकालो। 5,000? अरे तो क्या मैं ढोल पे मुनादी करके पब्लिक को इकट्ठा करूंगा? निकालो, जमींदार साहब आएंगे तो बैंड बाजे के साथ। मारा गया एक बेकसूर, जी हजूर मारा गया एक बेकसूर, मारा गया एक बेकसूर, चलिए कुछ करिए जरूर। जी हजूर मारा गया एक बेकसूर।
मुजरिम है हमने माना, अरे भाई हमने मान लिया ना, वो मुजरिम है हमने माना, पर अपना है नहीं बेगाना, वो है आपके दिल का टुकड़ा, हाय आहा हाय, वो है आपके दिल का टुकड़ा, कितना सुंदर उसका मुखड़ा, कितना सुंदर उसका मुखड़ा, लग गई उसको नजर किसी की, हाय लग गई उसको नजर किसी की, हाय तौबा चश्मे बदूर, जी हजूर मारा गया एक बेकसूर, मारा गया एक बेकसूर, चलिए कुछ करिए जरूर, जी हजूर मारा गया एक बेकसूर। बेटा आखिर वो है आपका बेटा, थानेदार ने जिसे लपेटा, थानेदार ने जिसे लपेटा, ये सरकार का ऑर्डर है क्या, ये सरकार का ऑर्डर है क्या, राजा रंक बराबर है क्या, राजा रंक बराबर है क्या, किसने ये कानून बनाया, किसने ये कानून बनाया, किसने बनाया ये दस्तूर, हमारा गया एक बेकसूर। लीजिए सर, लीजिए ठाकुर साहब, इस पर साइन कर दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए। हाँ, हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर साहब, को सोच लेने दीजिए। सोचिए ठाकुर साहब, उधर वोट है इधर बेटा। वोट बेटा वोट बेटा। लीजिए ठाकुर साहब, जी हजूर मेरे बेटे का है कसूर, जी हजूर मेरे बेटे का है कसूर, मेरे बेटे का है कसूर, उसे मिलेगी सजा जरूर, जी हजूर उसे मिलेगी सजा जरूर, उसे मिलेगी सजा जरूर। बाबा आप अरे जीते रहो बेटा। अब तीर्थ यात्रा से कब वापस आए? आज ही आयो बेटा, क्योंकि मुझे तो अपने वादे के मुताबिक आना ही था। वादा? कौन सा वादा? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू मुझे बता ये तेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई है। बाबा ये जमींदार के बेटे की साजिश है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। गुरु, जमींदार के बेटे को पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद कर दिया है, क्योंकि उस हरामी के पिल्ले ने बिंदिया की इज्जत लूटने की कोशिश की। बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को कानून के हवाले करने आया हूं, हवालात में डाल दो मुझे, ले जाओ इसे।
हाथ लगाया तूने? हम विक्रम को छुड़ाने जाएंगे। उसके बाप ने उसके लिए जमानत नहीं दी तो क्या? खून भले अपना रंग बदल ले, कल्लू बाबा अपनी दोस्ती का वचन कभी नहीं बदलता। इंस्पेक्टर साहब, हम शंकर की जमानत के लिए आए हैं। शंकर की जमानत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके घर से खतरनाक हथियार मिले हैं। लड़की तो बिंदी है जिसकी वजह से विक्रम पकड़ा गया, और वो लड़का इंस्पेक्टर का पिल्ला है। पकड़ के डालो गाड़ी में। छोड़ दो बिंदिया को। तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका है कि जमींदार का बेटा एक डाकू का दोस्त है। तुम भी डाकुओं के साथ हो। वो बिंदिया को उठा के ले गए, क्या किया तुमने? क्यों नहीं उनका पीछा किया? तुम्हें मुझे ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्शन लेता तो वो लोग लड़की की जान ले सकते थे। वो लोग बिंदिया के साथ साथ मेरे बेटे को उठा ले गए। मुझे ड्यूटी सिखाने आया। किसे देखो वो पुलिस वालों को ड्यूटी समझाने चल पड़ता है, और इसके लिए क्या कुर्बानी देते ये कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर, तुम्हारा बेटा और लड़की बिंदिया हमारे कब्जे में है। अगर उन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो विक्रम साहब को छोड़ दो, समझे? हेलो, चलो। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? क्या हो रहा है ये? कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं इस मुल्क में? ए, क्यों बकवास कर रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ तो आपको होनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे से डाकू आए और लोगों को किडनैप करके ले गए, और आप ऐसे बेशर्मों की तरह कुर्सी पर बैठे हो। बड़ी लंबी जबान निकाल रहा है, काट के फेंक दूंगा। ये जबान गुंडे बदमाशों और खूनियों की है, पुलिस वालों की नहीं। तू मुझे उपदेश दे रहा है? उपदेश दे रहा हूँ आपको, आपकी ड्यूटी सिखा रहा हूँ। पुलिस जनता की हिफाजत के लिए होती है। नहीं हिफाजत कर सकते तो उतार दो ये वर्दी। ना आप उनकी हिफाजत कर सकते हो, ना उन्हें खुद अपनी जान की रक्षा करने देते हो, जैसे शंकर करना चाहता था। अब खामोश क्यों बैठे हो? हमला क्यों नहीं करते डाकुओं पर? चुप! तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? चल निकल यहां से, गेट आउट। मुझे गेट आउट करने से पहले ये देख लो, पता चल जाएगा मैं कौन हूं। डीएसपी सर, I'm sorry, sir. Okay, relax. मुझे खास तौर से डिपार्टमेंट ने इन्हीं डाकुओं का पीछा करने के लिए भेजा। इंस्पेक्टर, क्या ये हमें नहीं सिखाया जाता कि बेशक 10 मुजरिम सजा से बच जाएं, एक भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए? यस सर। इस वक्त बिंदिया और बच्चा डाकुओं के कब्जे में है। वो बच्चा मेरा बेटा है सर।
हाँ जानता हूं, इसीलिए उन दोनों की जान की सलामती के लिए हमें डाकुओं से सौदा करना पड़ेगा। विक्रम को छोड़कर उन दोनों को सही सलामत वापस लाना पड़ेगा। आप क्या चाहते सर? एक्सचेंज। ऐलान करवा दो कि कल सुबह भूरी पहाड़ी के पास पुलिस विक्रम को छोड़ देगी और बदले में डाकू बिंदिया और बच्चे को छोड़ देगी। मुन्ना, तेरे पापा जरूर आएंगे हम दोनों को छुड़ाने के लिए। बाबूजी, नहीं, मत मार, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। कौन है ये छछुंदर लड्डू, यहाँ तक कैसे पहुँच गया? आपके आदमियों का पीछा करते हुए। किस लिए? अपनी बिंदिया के लिए। आप चाहे मुझे जान से मार दीजिए लेकिन मेरी बिंदिया को छोड़ दीजिए। ओ, तेरी बिंदिया? चलो भाई इसकी बिंदिया को छोड़ दो। बाबूजी, बिंदिया छोड़ दो मुझे। अरे भाई बिंदिया इसकी भी है और अपने उस विक्रम की भी है, बहुत चाहने वाले इसके हैं, लेकिन तेरे इस चाहने वाले ने अब हमारा अड्डा देख लिया है, इसलिए तुझे देखने के साथ साथ अब वो किसी चीज को नहीं देख सकेगा। अंधा कर दो इसे। नहीं, ऐसा न्याय मत करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे अंधा बना दो मगर इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। बहुत गहरा प्रेम है। कल्लू बाबा, कहाँ रहेगी पुलिस? सोनापुर की घाटी में बिंदिया और बच्चे के बदले विक्रम को हमारे हवाले कर देगी। वाह, कल हमारा विक्रम वापस हमारे साथ होगा, वो भी तेरा चाहने वाला है। हम इनाम के तौर पर तुझे उसके हवाले कर देंगे और तू जिंदगी भर यहाँ रहेगी। नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी। रहना पड़ेगा तेरे चाहने वाले के लिए। ध्यान से सुन, कल हम दिखावे के लिए तुझे पुलिस तक पहुंचा देंगे। जैसे ही विक्रम हमारे पास आएगा तू दौड़कर हमारे पास वापस भागेगी, और अगर नहीं भागी तो तेरे ही चाहने वाले के टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर पहुंचा देंगे। हाँ जी, कहिए क्या काम है आपको? जी, मैं अपने बेटे शंकर से मिलने आई हूँ। बड़े साहब है नहीं, आप बाद में आ जाइए। तुम तो हो ना बेटा, मेरा बेटा पता नहीं यहाँ कब से भूखा पैसा बैठा होगा, कम से कम उसे खाना तो दे दूँ। इस कपड़े में क्या है? जी जी, इसमें रोटी है। ठीक है ठीक है, आप जा सकती हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ जी। शंकर बेटा, बिंदिया की जान जा सकती है, वो काला डाकू बड़ा नीच और कमीना है, सांप पर विश्वास किया जा सकता है मगर उसका नहीं। माँ जी, पुलिस जमींदार के बेटे को काला डाकू के हवाले कर देगी और उसके बदले में वो बिंदिया और बच्चे को छोड़ देंगे। यही तो कहने आई हूँ बेटा, वो जो कहता है करता नहीं, पुलिस को भी धोखा दे सकता है। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा माँ जी? इसका इंतजाम करके आई हूँ, ये लो रोटी। माँ जी जल्दी कीजिए। अच्छा 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 बेटा। जैसा हमने ऐलान किया था, हम विक्रम को छोड़ रहे हैं, बदले में
तुम बिंदिया और बच्चे को हमारे हवाले कर दो। तुम उन्हें इधर भेजो, हम विक्रम को उधर भेज रहे हैं। चलो नीचे उतरो। ए लड़की, बच्चे को लेकर आधे रास्ते से वापस आ जाना, वरना तुझे मालूम है क्या होगा। चल चल। मंगल सिंह, तुमने एक मुजरिम को रिहा कर दिया, ये सब किसकी परमिशन से कर रहे हो? सर, एक निर्दोष लड़की और एक मासूम बच्चे की जिंदगी खतरे में है, हमें मजबूर होकर। कानून किसी मजबूरी को नहीं मानता। मुजरिमों के हाथों किडनैप किए जाने वाले मासूमों का कोई दोष नहीं है। पुलिस का फर्ज है कि वो हर शहरी की रक्षा करे, और अगर पुलिस की नॉलेज में एक भी मासूम की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस है, मैं हूँ, आप हैं। शंकर, गिरफ्तार कर लो जी। यस सर। छोड़ दो शंकर, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। बिंदिया पागल हो गई है, उस तरफ गोलियां चल रही हैं, डाकू है वहाँ। मुझे डाकू के साथ ही जाना है, नहीं तो वो बाबूजी को जान से मार देंगे। जी? हाँ, वो मुझे बचाने के लिए डाकू के अड्डे पर पहुंच गया था। लेकिन मैं तुम्हें वहां मरने जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी तो वो मर जाएगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी शंकर, मैं मर जाऊंगी। मैं विजय के बगैर तू जिंदा नहीं रह सकती, मैं जानता हूं। मेरे होते हुए विजय को कुछ नहीं होगा, अपने आंसू पोंछ ले, तेरे विजय को मैं लेकर आऊंगा। मुजरिम कानून से सिर्फ मर के ही भाग सकता है। मुझे इस वक्त ना अपनी जिंदगी से लगाव है ना मौत का डर, मैं खुद मौत बनकर निकला हूँ, रास्ता छोड़ दे। मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करना शंकर। आज कोई गोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मैंने बिंदिया को वचन दिया है और वचन पूरा किए बिना मैं मरूंगा नहीं। ले इसे।
नमस्कार ठाकुर। मेरा बेटा कहाँ है ऋषि? वो है कहाँ? एक झूठे इल्जाम में पुलिस की कैद में है। तुम शंकर की बात तो नहीं कर रहे हो? जी। भगवान की लीला देखो ऋषि, आज तक अनजाने में शंकर अपनी माँ की मदद करता आ रहा है और अब भी एक बेटे का फर्ज पूरा करने सर पर कफन बांधकर निकला है। नहीं बिंदिया, तुम जाओ विजय को संभालो। काला डाकू, तूने मेरे जिस छोटे बेटे को पहाड़ से फेंक कर मारना चाहा था वो जिंदा है और आज इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। हाँ शंकर, तू ही मेरा बेटा है।
इसकी मौत तेरे हाथों से लिखी है माँ, ले इसे जिंदा जला दे। मिस्टर पीलू पटेल, क्या बात है? सलाम डार्लिंग। सर जब आपको पता था कि मैं जेल से भागा हूँ, आपने मुझे पकड़वाया कि? मैंने सोचा कि तुम जैसे मुजरिम को भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। मुझे अपना बदला पूरा करना है। जान बाकी है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। दोस्त, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है, मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। शंकर, बाबूजी, बिंदिया का ख्याल रखना। बिंदिया,
तब मुझे अफसोस रहेगा कि जब भी तुम मुझे बुलाओगी वहां नहीं पाओगे। कितना सुंदर था ये सपना, साथ यही तक था बस अपना, लगता है ऐसे बस जैसे, लगता है ऐसे है बस जैसे आखिरी ये मुलाकात।